तो हेलो दोस्त, कैसे हो? स्वागत है फिर से नई वीडियो में। दोस्तों हम लोग अभी नाश्ता वास्ता करके लेके हो गए हैं, रेडी आ गए हैं साइड पे, तो चलते हैं कहीं और भी घुमाते हैं आपको। तो वीडियो पे बने रहे, वीडियो बनाना बहुत मजा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, बेल नोटिफिकेशन दबाना ना मिले, जिससे जो भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं। कल जो है हमारे लड़के का मुंडन है, और खैर मुंडन संस्कार है, और मैं यहाँ पे भी सऊदी अरब में हूँ फिलहाल। मुझे समझ लीजिए कि यार बहुत दिल में से एक तकलीफ़ सा है कि यार मैं अपने बच्चे के मुंडन में घर पे नहीं पहुँच पाया। दो दो बार तैयारी किया जाने के लिए लेकिन नहीं जा पाया। खैर फिलहाल देखते हैं क्या होता है, अभी घर पे थोड़ा सा बात करते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है वहाँ पे, और बाकी जो सामान वामान खरीदारी हो रही है, क्योंकि वो सब तो मैं वहाँ पे रहता तो कैप्चर कर पाता। फिलहाल देखते हैं घर पे क्या बातें हो रही हैं, क्या काम हो रहा है, क्या क्या चल रहा है घर पे। अभी मैं आ गया हूँ जजीरा के दुकान पे, और मुझे लेना है एक बाल्टी पेंट, और सऊदी आया था, कलर पसंद करके गया है, उसने पैसा भी पे कर दिया है। खैर मिक्सिंग हो रहा है कलर का, अभी जैसे ही पेंट मिलता है मैं लेके जाता हूँ सऊदी के घर पे। आ गया हूँ थोड़ा सऊदी के घर पे, और बाल्टी भी मैं लेके आ गया हूँ पेंट का। बाल्टी थोड़ा लेट हो गया, पेंट मिक्स करके वो गोदाम में ही रखा था, और मैं बाहर वेट कर रहा था, और कुछ ज़्यादा ही समय हो गया। बाद में मैं अंदर गया तो देखा बाहर पेंट लोगों ला के बस अंदर ही रखे हुए हैं, तो मैं अभी लेके आया हूँ। अभी सऊदी के घर पे पहुँचा हूँ तो थोड़ा अंदर डाल देता हूँ। अंदर तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता क्योंकि फैमिली वाला और चालू घर है। अब मैं दिखाता हूँ इधर, थोड़ा बैक साइड में आप देख सकते हैं थोड़ा कैमरे से, और देख सकते हैं कि एकदम से पूरा जो देहात होता है ना, देहात वाला गाँव वाला थोड़ा कुछ फीलिंग आ रहा है। और यहाँ पर आप बरसीन देख सकते हैं कितना लंबा चौड़ा, और बड़े खेतों में जो बरसीन है, और सब आप देख सकते हैं जो वाइट वाइट है, जो नल है, ये सब स्प्रे करने के लिए, पूरा पानी वानी चलाने के लिए। और सोच सकते हैं कि इतना बड़ा जो प्लाट में बरसीन अगर बोया गया है तो ये सऊदी के घर पे कितना जानवर होंगे और कितने आदमी होंगे जो काम करते होंगे इस खेती में। बस मुझे एक चित्र दिखा है, मैं थोड़ा दिखाता हूँ आपको, हालाँकि मुझे अभी गाड़ी बैक करना पड़ेगा। और भाई थकना मत यार कहीं, ये कुछ याद आ रहा है जो अपने स्कूल में कभी पढ़ाए होते थे, बहेलिया करके कोई रहता था ना जो जानवरों का शिकार करता था। देख सकते जो एक लोमड़ी है पीछे, और साथ साथ में एक घोड़े पे बैठा हुआ तीर धनुष लेके, और भाला वाला भी साथ में है। बहुत खूबसूरत चित्र है ना। ये जो एरिया यहाँ पे खेती कुछ ज़्यादा होती है, ये देख रहे हैं ना, ये जो झाड़ है पूरा अंगूर का है, हालाँकि सीजन नहीं अंगूर का, और ये सूख गया है ना, सूखा हुआ दिख रहा है, लेकिन यही पौधा जब सीजन आ जाएगा तो पानी पाते ही पूरा हरा भरा और खिल जाएगा पूरा। तो भाई लोग हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग का अभी काम चल रहा है फाइनल में, और आप देख सकते हैं इसका जो बिल्डिंग का आपने कई बार जो वीडियो देखा था, तो हमारा जो ब्लॉग रहता है आपको मालूम है, जब तक कोई भी काम ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक उसका वीडियो आपको बार बार देखने को मिलता है, जब तक यानी शुरू से लास्ट तक। और देख सकते हैं जो क्या हाल है अभी बिल्डिंग का, कुछ लुक कुछ अच्छा दिख रहा है ना। तो खैर इसी तरह का जो भी वीडियो आता है आप देख सकते हैं। और अभी हम लोग का जो पेंट है इसमें जो फाइनल चल रहा है, और फर्स्ट कोट लग चुका है, और देख सकते हैं जो इसमें सीलिंग पूरा हमारा फिनिश है, और साथ साथ में आप देख सकते हैं ये भी दीवार में एक कोट पेंट लग चुका है। और दीवार को एक बार और चेक करना पड़ेगा क्योंकि लाइट से हम लोगों ने पहले ही चेक करके रखा था, उसके बाद हम लोगों ने पेंट मारा है, और अभी डबल कोटिंग से पहले एक बार और चेक करना पड़ेगा। चलते हैं थोड़ा दूसरे सिग्गे में और देखते हैं क्या हाल है दूसरे सिग्गे का। और यहाँ पे कुछ आवाज़ आ रही है, लग रहा है पेंटर का काम चल रहा है, और पेंटर लोग लगे पड़े हैं अपने अपने काम में। अभी फ़िलहाल ये जो कमरे का जो पेंट है, कलर है, थोड़ा अलग शेड में है, बाहर थोड़ा सा लाइट है, अंदर थोड़ा सा डार्क है, और इसका जो अभी बाल्टी खुला भी नहीं है, इसका जो पेंट का जो कलर है आप देख सकते हैं जो नंबर है। और दूसरा चलते हैं थोड़ा सा अंदर और देखते हैं बड़े बड़े जो मुदीर लोग हैं, मुगावर लोग हैं, क्या कर रहे हैं। सॉरी ब्रदर, ठीक है, ठीक से भी आ गए हैं। इमरान सोलो मौसम में आ रहा है ना, कहो देता था भाई फाइनल कट चल रहा है, है? फाइनल, हाँ कहो तुम, और कहाँ तक पहुँचा? फाइनल कहाँ चल रहा है, अभी तो एक कट चल रहा है, एक कट चला है, फर्स्ट चल रहा है। क्या निकला दिखाओ, कुछ टोकन निकला हुआ है? मोबाइल निकला, मुझे जवाब किधर है जवाब? ये देखो हमारे नसीब में, यानी पूरे जितना टीम है ना, किसी के नसीब में मोबाइल नहीं यार। एक गैलन पुट्टी आया है, और पुट्टी हम लोग खाएंगे, शाम को पार्टी करेंगे पुट्टी का।
20-25 कूपन अभी भी पड़े हैं हमारे पास, लेकिन किसी में भी कोई भी ऐसा कोई बड़ा सामान नहीं है। सब में रोला और टी शर्ट कैप है, और ये भी मिला तो मुझे पुट्टी का गैलन मिला है। घर हम लोग का किसी काम का नहीं है सर। हाँ, साथ में बाकी जो बिल्डिंग है ऊपर से नीचे तक जो कलर है एक ही है, लेकिन यहाँ पे जो ये जो रूम है ये है गुरफानोम, जो बेडरूम है सोने वाला जो सऊदी के लिए है पर्सनल। तो आप देख सकते हैं इसका जो साइज है कुछ बड़ा है ना, ये अलमारी के लिए रख बनाया है। थोड़ा इसमें जो रैक लगेगा और अलमारी बैठेगा इसमें कपड़े वाला, और इसमें तो पता नहीं मुझे भी क्या क्या लगाने वाला है लोग, क्योंकि इनका जो हिसाब होता है कुछ अलग ही होता है, क्योंकि अपने अपने हिसाब से हर कोई अपने घर को शिफ्ट करता है। तो इसमें जो कलर है थोड़ा सा डार्क शेड में है, और क्योंकि ये बेडरूम है और इसका जो कलर है ग्रे कलर में थोड़ा आता है, और ग्रे कलर में थोड़ा सा डार्क ग्रे है, और बाकी जो घर में पूरा जो सादा और लाइट कलर में लगा हुआ है। तो खैर देखते हैं फाइनल होने के बाद कैसा लुक दिखता है पूरे घर का। बाहर का तो आपने देखा ही है, और साथ साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जिप्स में POP में हो रहा है, तो POP का फॉल्स सीलिंग हुआ है छत में। इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यह हो रहा है कि इसका जो क्रैक है बार बार फटने जा रहा है, 3-4 बार इसका फिलिंग हो चुका है POP के साथ में, लेकिन इस बार जो भरे हैं अल्टीमेट जजीरा का जो क्रैक फिलिंग के लिए वो ज़्यादा मशहूर है। खैर देखते हैं क्या होता है, कि टिकता है कि नहीं टिकता है। और हम लोग का जो सीलिंग फाइनल होते होते क्रैक फट जाता है, हम लोगों ने क्या किया है कि उसको जो अभी फिर से फिलिंग किया है अल्टीमेट, तो देखते हैं टिकता है कि नहीं टिकता है, मालूम पड़ जाएगा जजीरे में है कितना दम। तो वीडियो पे बने रहें। A few moments later. यहाँ का जो काम है हमारा फाइनली हो गया है ख़त्म, और थोड़ा बड़ा जो काम बचा है कल आ जाए हो जाएगा, उनके फिनिश हो जाएगा, क्योंकि बाहर का जो बाउंड्री दो साइड का रुका हुआ है तो उसका काम कल ख़त्म करेंगे, और अंदर थोड़ा सा काम था तो दिखाते हैं आपको। अंदर का काम ऐसे तो फिनिश हो गया है, दरवाजा का कलर उनकी ज़्यादा समय लग गया पास होने में, तो खैर एक कोट तो लग गया है, इसमें डबल कोट करने का बाकी है, लेकिन कहीं कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है कि दरवाज़ा कटा पिटा है तो उसको टचिंग करना पड़ेगा थोड़ा पुट्टी करके। और साथ साथ में रेली का भी काम अभी आज ही ख़त्म हुआ है, और दूसरा जो काम था यहाँ पे जो मोजिल वगैरह जो ASB बहुत ज़्यादा गहरा लगा हुआ था, तो खैर मोजिल लगा के इसको थोड़ा बहुत क्लीन किया है, लेकिन थोड़ा बहुत बाकी रह गया है। खैर इसका भी काम थोड़ा बहुत देखते हैं कल कितना हद तक इसको साफ़ कर सकते हैं। और साथ साथ में साइड में भी थोड़ा सा हमारा काम रह गया, ताकि ब्रश से थोड़ा पेंट को मोटा करके मार देंगे तो कवर कर जाएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने के लिए। और बाकी का तो काम खैर फिनिश ही है, कल मुमकिन दोपहर तक काम निपट ही जाएगा। और साथ साथ में यहाँ पे अगर चित्र देख सकते हैं कि ये कितना ज़बरदस्त कलाकारी किया गया है, ये टोयोटा का जो पुराना मॉडल जो हाइलक्स है, साथ साथ में गन, और साथ साथ में देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त और कितना बेहतरीन बनाया गया है। और देख सकते हैं कि आपको ये रियल में दिख रहा होगा, जैसा लग रहा होगा कि रियल में गाड़ी कोई खड़ी है, और कितना खूबसूरत दिख रहा है। और ये सब हाथ का पेंटिंग हुआ है, और इनका ही जो सऊदी का जो यहाँ पे खेमा वगैरह डालते हैं, देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त घर जैसा दिख रहा है, और बहुत ही सुंदर बहुत खूबसूरत दिख रहा है। तो फाइनली दोस्तों आज का जो काम था हमारा हो गया है ख़त्म, और आज का ब्लॉग है यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि टाइम भी ख़त्म हो गया, अंधेरा होते ही बाकी वीडियो रिकॉर्डिंग करना मुश्किल होता है आउटडोर में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल में प्लीज सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, बेल नोटिफिकेशन आना ना मिले, जिससे जो भी वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।